जोन्स ऑफ लंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा कंपैरेटिवली कम जाता है, लेकिन आपको इसका आइडिया ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जो आपकी BRS है ठीक है उसमें ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये स्किप किया जाए। ठीक है, अब देखिए तीन जोन्स होते हैं लंग के, जोन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं पहले आपको इसको थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, ये जो P a है ना, ठीक है, ये है आपके पास आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, P A है आपके पास एल्वियोलर प्रेशर, और PV जो है ना ये आपके पास वीनस प्रेशर। ठीक है, इसमें आपको वो ब्लू और रेड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, आपको पता है उल्टी होती है जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, तो ब्लू और रेड में इतना भी आप ना जाएं। सिंपल ये देखें, P a जो है ये है आपका आर्टीरियल, A जो है वो है एल्वियोलर, और V जो है वो है वीनस। ठीक है, अब तीन जोन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है लंग को, जोन 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आपको जोन 1 का मैं समझाता हूँ। जोन 1 में फिजियोलॉजी क्या है कि बेसिकली आपका जो एल्वियोलर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो आर्टीरियल से भी ज़्यादा है और वीनस से भी ज़्यादा है। एल्वियोलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब जब एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कंप्रेस कर देता है आपकी कैपिलरीज को, और अल्टीमेटली ब्लड फ्लो कम कर देता है विद इन द लंग। ठीक है, अब जब ब्लड फ्लो कम होगा, ये देखिए ब्लड फ्लो कम है, क्यू कम है, क्यू है परफ्यूजन। ठीक है, तो क्यू कम है तो आपने याद रखना है कि एल्वियोलर प्रेशर बढ़ा तो परफ्यूजन हो गई कम, तो मिनिमल परफ्यूजन जिस जोन में है, सबसे कम परफ्यूजन जिस जोन में है वो है जोन 1, क्योंकि वहाँ पे एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टीरियोलर एंड द वीनस। और साथ ही साथ जोन 1 के अंदर आपकी वेंटिलेशन भी कम होती है, लेकिन परफ्यूजन इतनी ज़्यादा कम होती है कि आपका वी क्यू रेशो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जब आपका डिनोमिनेटर बहुत कम होगा तो आपकी जो प्रॉपर वैल्यू है जो कि वी क्यू रेशो है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है, वो तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये है आपके पास जोन 1। इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि जोन 1 नॉर्मली जो है, जोन 1 जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता लंग में। ठीक है, जोन 1 होता ही पैथोलॉजिकल है। देखिए पैथोलॉजिकल है इसलिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है ना वो बहुत गिर जाए, जैसे कि हेमरेज वगैरह हो जाए तो फिर आर्टीरियल प्रेशर गिर जाएगा तो वो ऑब्वियसली फिर एल्वियोलर उससे बढ़ जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएंगी आपकी कैपिलरीज। ठीक है, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि एल्वियोलर प्रेशर बहुत बढ़ जाए, वो होता है जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जोन 1, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन होता कब है, या हेमरेज हुआ हो उससे आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है, या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो रही हो उसमें आपका एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो बात हो गई ये जोन 1 की, जिसमें आपका वी क्यू रेशियो बढ़ गया। ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ें और हैं, जोन 2 एंड जोन 3। ठीक है, अब जोन 2 के अंदर आपका आर्टीरियोलर प्रेशर जो है या आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलर। ठीक है, जो कि ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीनस। ठीक है, तो ये अगर आप याद रख लें तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपका ज़्यादा। ठीक है, तो सिस्टली में तो ब्लड आ जाता है इसमें, तो परफ्यूजन सिस्टली के दौरान तो होती है। ठीक है, लेकिन डायस्टली के दौरान प्रेशर ड्रॉप करता है, उस दौरान जो एल्वियोलर प्रेशर है वो बंद कर देते कैपिलरीज को, तो बेसिकली परफ्यूजन जो है लंग्स की वो होती है सिर्फ और सिर्फ कब, जब सिस्टली होती है, तो इंटरमिटेंट परफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं थी, इसमें थोड़ी बहुत परफ्यूजन होती है, इंटरमिटेंट परफ्यूजन होती है। अब आते हैं जोन 3 पे। अब आप जोन 3 में देखें, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हल्की सी थी, और यहाँ पे देखें अब पूरी है। पूरी का क्या मतलब है, देखें इसमें आपका आर्टीरियोलर ज़्यादा है, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, फिर वीनस प्रेशर आता है, और फिर एल्वियोलर आता है। मतलब कि थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल इसमें ब्लड फ्लो करता रहेगा, एल्वियोलर प्रेशर इतना है ही नहीं कि उसको कंप्रेस कर दे, तो इसमें आपकी मैक्सिमम परफ्यूजन होगी इन जोन 3, लेकिन वेंटिलेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन परफ्यूजन इतनी ज़्यादा है, ठीक है,
कि वी क्यू रेशो कम हो जाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो हो जाता है कम, तो ये है जोन थ्री। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मली लंग्स के अंदर होते हैं सिर्फ जोन टू और जोन थ्री, ठीक है। जोन टू होता है इन द एपेक्स ऑफ द लंग, ठीक है, और जोन थ्री जो है ना वो होता है इन द लोअर एरियाज, मतलब कि यहाँ पे करके कहीं जोन थ्री होगा थ्रू आउट और ऊपर करके जोन टू होगा, नॉर्मली की बात ये हो रही है, ठीक है। लेकिन जब बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो फिर लंग के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज ही लंग के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता जो जोन टू है वो भी जोन थ्री में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करें। जोन वन टू एंड थ्री, वन पैथोलॉजिकल होता है, जोन टू और थ्री नॉर्मली होते हैं, जब एक्सरसाइज होती है तो जोन टू भी जोन थ्री में कन्वर्ट होने लग जाता है क्योंकि परफ्यूजन बढ़ जाती है। वी क्यू रेशो याद रखना है कि जोन वन का हाई होता है, ठीक है, और जोन थ्री का लोएस्ट होता है वी क्यू रेशो, ठीक है। तो ये हैं आपके जोन्स ऑफ द लंग, ठीक है। ये वही वाली तस्वीर है जो आपकी बी आर एस में बनी हुई है, ये मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ डिटेल में, यही वाली बात। अब यहाँ पे एक और मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा आपको, देखिए ये ऊपर से आ रही है आपकी वेंटिलेशन, ठीक है, नीचे से जा रही है आपकी परफ्यूजन, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आपकी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, मतलब कि आपकी वेंटिलेशन हो गई ज़ीरो, ठीक है, तो वी क्यू रेशो क्या होगा, वी ओवर क्यू, देखिए ना वी ओवर क्यू होता है ना, ठीक है। अगर आपकी इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी वेंटिलेशन हो गई ज़ीरो, ठीक है, क्यू जो मर्ज़ी हो, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होगा आपका, ज़ीरो। इसको हम कहते हैं शंट, शंट मतलब के बग़ैर ऑक्सीजनेटेड होते हुए ब्लड ऐसे ही क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया, ये है शंट, राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये ऊपर से आपकी आ रही है, देखिए ये है आपकी वेंटिलेशन, ये है परफ्यूजन। अब अगर परफ्यूजन ब्लॉक हो गई, पल्मोनरी एम्बुलस आ गया, ठीक है, उसने कर दिया ब्लॉक, ठीक है, अब क्या होगा, देखिए वी ओवर क्यू है ना, ठीक है, अब नीचे हो गया ज़ीरो, वेंटिलेशन जितनी मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, के आपकी वेंटिलेशन है लेकिन परफ्यूजन तो है ही नहीं जिसने उसको होने ऑक्सीजनेट होने, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, फंक्शनैलिटी इसकी ज़ीरो है, तो ये है डेड स्पेस। पल्मोनरी एम्बुलस में होगी डेड स्पेस और वी क्यू रेशो होगा इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था आपको। अब देखिए ये आए हुए हैं पहले एमसीक्यूज, पल्मोनरी एम्बोलाई ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है, एम्बोलाई आ गया ना, तो वी क्यू इज़ इन्फिनिटी सिंस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, बता दिया आपको, लेस देन नॉर्मल वी क्यू है सी ओ पी डी में, कॉमन सेंस है, ठीक है। ओल्ड मैन विद एम आई डिवेलप्स पेरिफेरल साइनोसिस, एम आई है ना, ठीक है, तो फिर ब्लड फ्लो होगी कम, ठीक है, तो उसमें बेसिकली वी क्यू मिसमैच होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब वी ज़ीरो है तो शंट होगा, वी क्यू ज़ीरो होगा, ये मैं समझा चुका हूँ, क्यू ज़ीरो है तो डेड स्पेस होगी, वी क्यू इन्फिनिटी होगी, यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको डिलीवर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। जोन वन टू थ्री को जेहन में रखें, बस ये याद रख लें अगर आप की ना भी याद रखें कि शंट और डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट और वी क्यू का मतलब क्या होता है, और ये बस याद रख लें कि जो आपकी परफ्यूजन है वो जोन थ्री में मैक्सिमम होती है, दैट इज़ इट।